गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो? तो आज मैं लगा ली हूँ पूरा अपने चेहरे का, फेशियल कर ली हूँ या ब्लीच कर ली हूँ। होता ना कि हम हाउस वाइफ के लिए काम पहले, बाद में कोई काम। तो आज है छठ व्रत, और छठ व्रत की मैं मीना पांडे की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आप सभी को, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और आने वाले समय में मेरे वीडियो देख के अगर किसी के पसंद आई, उन सब के लिए मेरी तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सुबह से काम, क्योंकि आज मेरा है व्रत और बहुत सारा ही घर में काम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे बड़े सब मिलके इस छठ पर्व की व्रत सभी की सहायता से पूरी होती है। और अच्छा होता है कि हर घर में ये व्रत बच्चे बूढ़े जवान सब मिलके करवाते हैं, और इस व्रत का आनंद सब कोई लेता है, करवाते हैं, और जिसकी वजह से ये व्रत पूरा होता है। और हमारे यूपी बिहार में सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व, वैसे तो हर पूजा पाठ छोटा बड़ा नहीं होता है, मगर आस्था जिसमें भगवान लगा देते हैं वो सब बड़ी होती है। और यहाँ व्रत के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि प्रसाद धुलने के लिए हो गए हैं, सारे धुला रहे हैं ताकि कोई भी प्रसाद बिना धुले। और एक और बात होती है ना कि हम इस व्रत में आप जितने फल आपको दिखते हैं और जितने फल आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं वो सारे आप खरीद के लाते हो और एक एक करके सारे धुलते हो। यहाँ तक मिट्टी के भी बर्तन हम लोग कोसी भरने के लिए रखते हैं, वो सारे धुल के अच्छे से अपने घर में अच्छे पकवान बना के भगवान को भोग लगाने के लिए। और ये व्रत 4 दिन चलती है, और जिसकी वजह से मतलब 4 दिन से व्रत चालू हो जाती है। और देखिए मिट्टी के बर्तन मेरे यहाँ के जो मतलब छठ व्रत करते हैं सब धुल के पूरा अच्छे से रख देते हैं। और ये सारे काम हम लोग जिस दिन व्रत रहता है उस दिन सुबह में किया जाता है, और वो भी ये नहीं है कि हम नहाने से पहले कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे सब लोग नहा धो के ये छठ व्रत की व्रत पूरा करवाते हैं, और सुबह से नहा धो के हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या किसी को कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो भी नहा धो के पूरे सर सफाई से होता है। और ऐसा नहीं कि इस व्रत में हम लोग फल धोते हैं वो भी बिना खाए पिए नहा के सिर्फ देखिए, और एक एक करके सारे फल अलग अलग करके रख दिया जाता है। और पूजा की नियम भी अलग अलग है। और हमारे घर पे नए चूल्हे आए हैं जिस पे छठ माता का ठेकुआ पूड़ी प्रसाद बनेगा, और यहाँ चूल्हे की हो रही है पूजन। और इसी पे बनेगा प्रसाद जो छठ मैया के लिए है, और चूल्हे की हो रही है पूजन जो स्वास्तिक। और हम अरे धर्म में ऐसा होता है कि हर एक चीज़ बहुत ही मन से और श्रद्धा से करते हैं, ताकि मतलब अपना कल्चर ना भूले कोई, और एक लगाव होता है कि हाँ कोई भी कार्य कर रहे हैं हम लोग तो उससे जुड़े रहते हैं हमेशा, तो आदत बन जाती है। और वही हमारे घर के बच्चे भी देखते हैं और सुनते हैं कि हाँ हमारे घर में
ऐसी होती है और यही नियम करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यह हो गई है हमारी चूल्हे की पूजन और इस पर बनेगी प्रसाद। माता का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हे का तो सबसे बड़ा ही रहता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी के चूल्हे पे बना रहे तो चूल्हा नया होना चाहिए, लकड़ी आम की होनी चाहिए प्रसाद बनाने के लिए, ना ही चूल्हा जूठा होना चाहिए। और पहली बात तो जिस आप चूल्हे पे खाना बनाए उस पे कोई नॉन वेज या कुछ नहीं, पूरा मतलब नया होना चाहिए। तो मेरे घर में चूल्हे पे नया था और उसी पे प्रसाद बनाने के लिए निकाला गया था। तो यहाँ पे प्रसाद हो गए हैं बनाना चालू। तो देखिए एक एक करके घी में ठेकुए को छान दिया जाएगा और प्रसाद छठ माता को यही चढ़ती है। पूड़ी और ठेकुए की प्रसाद छठ माता का सबसे प्रिय प्रसाद होता है और हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो व्रत चार दिन तक चलती है। तो आज सबसे बड़ी वाली छठ है, तो बड़ी वाली छठ व्रत के दिन ही हम लोग ठेकुए को बनाया जाता है और जो दूसरे दिन भी भोग में वही चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा क्या यूपी बिहार में छठ पर्व में ठेकुआ और पूरी माता को भोग लगाने के लिए बनाई जाती है। और आपको दिखाया गया है कि प्रसाद में आप कोई ऐसा फल नहीं छूटना चाहिए जो छठ माता को भोग ना लगाया जाए। और ये है हमारे यहाँ के घाट जहाँ हम लोग पूजा करेंगे और पूरे अच्छे से। देखिए छठ पर्व ऐसा है हम यूपी बिहार के लिए कि यहाँ के लोग बोले हैं कि मतलब घर के लोग बाहर के लोग इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि मतलब हम जो लोग व्रत करते हैं उनकी पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो व्रत में कोई ऐसी गलती ना हो कि जो व्रत कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब कोई विपता या कुछ है। तो पूरा यहाँ की हो गई है सफाई और अच्छे से पूरा हर एक वेदी हो गया है। देखिए ये हम लोग की वेदी है जो ऐसे ही पूजा करने के लिए बनाया जाता है और ये मिट्टी से ईंटे से बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हम जिस दिन पूजा किया जाता है वो हल्दी के लिप से और गेहूं के आटे से करके लगाया जाता। और यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि मतलब जानते हैं पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी क्या है भीड़ इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि सब लोग अपना नाम लिखा हुआ जिस हाँ एक बात और यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है कि मतलब हमारी पूजा करने वाली वेदी कोई और दूसरा ना ले ले। और भीड़ की वजह से सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और ले लेते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे मैं देखने लगी थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी का इधर उधर हो जाता है जो मिट्टी का वेदी बनाया जाता है, तो कितने लोग उस पे बैठ के अब किसी और की वेदी पे बैठ के पूजा करने लगते हैं और जिसकी वजह से जो बना के जाता है मिट्टी का वेदी वो परेशान हो जाता है कि अब मैं कैसे करूँ। और भीड़ खूब सारी लग जाती है और देखिए भीड़ लगना चालू हो गई और मैं सिंदूर लगाई हूँ। इस व्रत में हर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप प्रसाद ना चढ़ाओ या प्रसाद ना लो। इस व्रत में सबसे अच्छी बात है कि प्रसाद मांग के लिया जाता है, हाथ फैला के मांगा जाता है, जो छठ मैया इसी पर्व में खुश हो जाती है। और आज हमारे यहाँ कोसी भरा रहा है जो हमारे घर की सारी लेडीज कर रही हैं। तो और